जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 13 अगस्त से आपकी जो हरियाणा पुलिस कमांडो की फिजिकल है स्टार्ट हो चुकी है, और हर एक दिन की आपकी क्या कुछ अपडेट रहती है फिजिकल की, वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आज भी हमारे दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल देने के लिए गए हुए हैं, और जब वो फिजिकल देकर वापस आएंगे तो क्या कुछ वो अंदर का नज़ारा बताते हैं ग्राउंड का, वो आपको आने के बाद हम बता देंगे। इसके अलावा देखिएगा, अगर कमांडो के भर्ती के बारे में कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप अगली वीडियो को वेट कीजिए, वहां पर हम आपके हर एक डाउट का जवाब आपको दे देते हैं। ठीक है जी, तो आज जो कुछ पिछली वीडियो में आपके डाउट आए थे वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपके जो सबसे ज़्यादा डाउट है एडमिट कार्ड को लेकर है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था और अब भी आपको यही बताता हूँ कि देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा, आपके जो फिजिकल 13 अगस्त से स्टार्ट होने थी वो अब कब कर दी गई है, 16 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई है। यानी कि अब आपके जो एडमिट कार्ड 15 अगस्त को आने थे वो कब आएंगे, 15 + 3 यानी कि आज 18 अगस्त को आने की उम्मीद है। लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी है आने की आज बहुत ही कम बन रही है, या तो कल 19 अगस्त को या फिर 20 अगस्त को आपके जो एडमिट कार्ड हैं 20 अगस्त से पहले पहले ये कन्फर्म है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। कल तक या फिर परसों तक है, जब आपके एडमिट कार्ड 13 अगस्त वालों के आए थे, मैंने आपको बताया था 9 अगस्त को दिन में मैंने ये बोला था कि अगर आपके एडमिट कार्ड आने हैं तो आपके शाम तक आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और वही चीज़ आपको पता कि अगर हमारे साथ शुरू से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता कि आपके 9 अगस्त की शाम को एडमिट कार्ड आ गए थे। तो वही चीज़ हम आपको यही बता रहे हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं 20 अगस्त के बाद वालों की फिजिकल के, वो आपके आ जाएंगे कल या फिर आपके परसों तक कन्फर्म है आ जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी फिजिकल के बाद जो भी कैंडिडेट अभी क्वालिफाइड हुए हैं उनके बाद में क्या चीज़ होगी, रनिंग होने वाली है। तो रनिंग कितनी होगी, कहां पर होगी, किस प्रकार से होगी, वो देखिएगा। तो यहां पे देखिए, अभी आपके जो प्रोसेस चल रही है उसमें केवल आपका जो हाइट है, जो चेस्ट है, वो मेजर किया जा रहा है। उसके बाद आपका हाई जंप और चिनअप्स यहाँ पर आपके जो यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो अगली प्रोसेस होगी, आपकी रनिंग होने वाली है। और रनिंग कब से स्टार्ट होगी, आपकी 13 सितंबर 2021 से स्टार्ट होकर आपकी कब तक चलेगी, 26 सितंबर 2021 तक चलने वाली है। अब ये कहाँ पर होगी, आपकी सेम चीज़ पंचकुला में होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें फिजिकल के बारे में, तो चाहे आपके कांस्टेबल की फिजिकल हो, चाहे आपके एसआई सब इंस्पेक्टर की फिजिकल हो, या फिर बात करें कमांडो की फिजिकल के बारे में, तो हरियाणा की पुलिस की भर्ती की जो भी फिजिकल होती है आपके सभी पंचकुला में होती हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब अगर हम बात करिए आपकी जो रेस होने वाली है, जो रनिंग होने वाली है कमांडो की भर्ती में, वो कितनी होगी और टाइम कितना मिलेगा, तो आपकी जो रेस है 2 किलोमीटर होने वाली है। कितनी होगी, 2 किलोमीटर आपकी रेस होगी, जिसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 7 मिनट और 30 सेकंड। कितना टाइम दिया जाएगा, 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। 2 किलोमीटर रेस होने वाली है, कहाँ पर होगी, पंचकुला में होने वाली है। हो गई बात क्लियर फिजिकल की आपकी, कि आपकी जो हाई जंप है, जो चिनअप्स है, वो आपकी अब होने वाली है कंडक्ट है। और रेस कब होने वाली है, 13 सितंबर 2021 से लेकर आपकी 26 सितंबर 2021 तक होने वाली है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डाउट आ रहे थे कि क्या जो एससी कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है, और आपको जो बीसी कैटेगरी है, इनको हाइट में और चेस्ट में कितने का छूट है, 2 सेंटीमीटर छूट है। तो क्या आपको ग्राउंड में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये वो आपका बोर्ड है जो कि आपके पंचकुला में जो फिजिकल आपकी हो रही है सेक्टर 5 में परेड ग्राउंड में, उसके बाहर ये वाला बोर्ड आपका लगा हुआ है। और जहाँ पर आपको देखिए ये चीज़ बताई गई है कि आपके जो एससी कैटेगरी, जो एसटी कैटेगरी और जो बीसी कैटेगरी है, इनको 2 सेंटीमीटर छूट मिलने वाली है। किस चीज़ में, आपकी हाइट में और चेस्ट में। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एससी एसटी बीसी कैटेगरी वालों को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं को छूट मिलेगी, बाकी जो अदर स्टेट है उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके अलावा जो एससी एसटी बीसी कैटेगरी जो कैंडिडेट है, क्या उनको हाई जंप में और चिनअप्स में छूट मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जो आपका हाई जंप है और आपके जो चिनअप्स हैं, वो आप सब कैटेगरी के लिए, सब स्टेट के लिए, सब के लिए सेम है। हाई जंप आपको 137 सेंटीमीटर लगाना होगा, इसके लिए चांस आपको 3 मिलने वाले हैं। नंबर कितने मिलेंगे पास करने के बाद, 10 नंबर मिलेंगे। ये ना ही तो कम है ना ही ज़्यादा है। अगर आप पास करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर फेल हो जाते हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद चिनअप्स की बात करें, तो चिनअप्स में भी किसी भी कैटेगरी को, किसी भी स्टेट वाले कैंडिडेट को कोई भी छूट नहीं है। चिनअप्स आपको पूरे के पूरे 8 लगाने हैं, और 8 पूरे लगाने के बाद आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। चिनअप्स में बहुत जो है ढिलाई है, हाई जंप में ढिलाई नहीं है। चिनअप्स बिल्कुल आपको जो है बोल दिया जाता है कि आप एक पाइप है, गोल पाइप, उसे लटका दिया जाता है और बोला जाता है कि चिनअप्स लगाइए।
अब वो आठ आप रुक रुक कर लगाइए, आप लगातार लगाइए, किसी भी प्रकार से लगाइए, कोई रोक टोक आपको वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बस आपको ये चीज़ करनी है हाई जंप और चिनअप्स में। रेस मैंने बता दी, 2 किलोमीटर रेस होगी, 7 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा, और रेस क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इन सब के लिए आपके एक जो सिलेक्टेड नंबर है 30 नंबर आपको दिए जाने वाले हैं, अगर फेल हो जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये कुछ फिजिकल की आपकी डिटेल है। अब एक और जो सबसे बड़ा डाउट है कि आप जब फिजिकल देने जाते हैं तो वहां पर आपको जो सामान होता है, क्या जो अंदर ग्राउंड है उसी के अंदर सुविधा सामान को रखने की? बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ग्राउंड है उसके बाहर जब आप इंट्री करते हैं तो इंट्री के करते टाइम जो आपके फिजिकल का ग्राउंड का बाहर का जो एरिया है वहां पर आपसे बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो आपके बैग वगैरह को जो सामान को आपको रख लेते हैं। आपसे कुछ 30-40 रुपये चार्ज तो जरूर लेंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको सामान का खोने का डर नहीं है, चोरी होने का। आप लोग वहां पर अपना जो बैग है, जो मोबाइल है, या फिर जो भी पर्स है, जो भी पैसे सामान कुछ भी आप जमा करवाना चाहते हैं ग्राउंड के बाहर आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई साथी आपके साथ जाता है तो उसको आप जो है अपना सामान दे सकते हैं। ये कुछ बात हो गया आपके सामान की। अब जो एक और सबसे बड़ा डाउट है वो आपके एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए एडमिट कार्ड आपको 2 लेकर जाने हैं, दोनों पर आपको 2 फोटो चिपकानी है और दोनों ही फोटो आपको अटेस्टेड करवानी है। अब ये फोटो आपको अटेस्टेड किससे करवानी है, ये एक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर किससे करवानी, मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। तो देखिएगा आपको 2 एडमिट कार्ड उनके प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाने हैं, उनके ऊपर आपको 2 फोटो चिपकानी है, दोनों ही फोटो को अटेस्ट करवानी है। इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है ओरिजिनल। तो ये जो फोटो आपको अटेस्ट किससे करवानी है, देखिएगा आपका जो गेजेटेड ऑफिसर होता है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी, वो आप क्या करेगा कि आपके जो एडमिट कार्ड की फोटो है उसके ऊपर एक स्टैंप लगाएगा, एक मोहर लगाएगा, उस मोहर में उसका पूरा जो नाम है, जो पता है, वो किस संस्था से बिलोंग करते हैं, वो सब आप उस मोहर में देखने को मिलने वाली है। और आपका जो गेजेटेड ऑफिसर है वो आपको साइन करेगा आपकी फोटो के ऊपर क्रॉस साइन। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट है, आपके क्लास फर्स्ट के और क्लास सेकेंड के ऐसे अधिकारी होते हैं जो आपकी फोटो को अटेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आपकी क्लास सी यानी कि ग्रुप सी और जो ग्रुप डी के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे आप फोटो अटेस्ट आप नहीं करवा सकते। या तो क्लास फर्स्ट के यानी कि ग्रुप ए के, या फिर क्लास सेकंड के ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं उनसे आप फोटो अटेस्ट करवा सकते हैं। अब क्लास फर्स्ट में ग्रुप ए में कौन से अधिकारी आते हैं वो देखिएगा। उसमें नंबर एक है ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जो ऑफिसर हैं आपके फौज के, उनसे आप करवा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट एंड अबो इन जुडिशियल सर्विस, यानी कि आपका जो मैजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल सर्विस के ऊपर के जो अधिकारी हैं वहाँ से आप लोग करवा सकते हैं। साइंटिस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके जो साइंटिस्ट के आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विज्ञान संस्थान है, अगर वो गवर्नमेंट फंडेड हैं तो आप उनसे साइन करवा सकते हैं। इसके अलावा इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रर्स, प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टी मेंबर, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी, चाहे आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आप वाइस चांसलर से, असिस्टेंट रजिस्ट्रर से, प्रिंसिपल से, फैकल्टी मेंबर से आप लोग साइन करवा सकते हैं। लेकिन ये सभी आपके ग्रुप ए के अधिकारी होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपका सेंटर का, स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का कोई आपका डॉक्टर है उससे आप साइन करवा सकते हैं। अगर आपका ग्रुप ए का कोई इंजीनियर है, आपका गवर्नमेंट वो इंजीनियर होना चाहिए, स्टेट का या फिर सेंटर का, उससे साइन करवा सकते हैं। अगर कोई आपका गवर्नमेंट आपका अधिकारी है, कौन सा, ड्रग कंट्रोल का, तो उससे आप साइन करवा सकते हैं। अगर कोई आपका देखेगा गवर्नमेंट इंप्लॉय है, स्टेट का या फिर सेंटर का, वो कौन सा होना चाहिए, ग्रुप ए का, जैसे कि IPS है, IAS है, IAS, यानी कि जितने भी आपके ग्रुप ए के अधिकारी हैं सेंटर स्टेट के, उनसे साइन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट कैडर का असिस्टेंट कमिश्नर होता है उससे आप साइन करवा सकते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उसे आप साइन करवा सकते हैं। तो टोटल ये आपकी लिस्ट है ग्रुप ए के अधिकारियों की जिनसे आप अपनी फोटो अटेस्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको जो फोटो अटेस्ट होने वाली है वहां पर जो आपकी जिस भी संस्थान से, जिस भी अधिकारी से आप अपने फोटो अटेस्ट करवाने वाले हैं उसकी फोटो के, यानी कि आपके फोटो के ऊपर एक मोहर लगेगी और मोहर के ऊपर उसका पूरा जो डाटा मिलेगा कि वो कौन है और उनकी संस्थान क्या है, और आपकी फोटो के ऊपर वो क्रॉस साइन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फोटो आपके अटेस्ट होने वाली है। अब अगर मान लीजिए आपको ग्रुप ए का कोई अधिकारी नहीं मिलता है तो आप जो है ग्रुप बी के किसी भी अधिकारी से, क्लास सेकंड के किसी भी अधिकारी से फोटो अटेस्ट करवा सकते हैं। अब वो ग्रुप बी वाले कौन से अधिकारी हो सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले है जूनियर डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, यानी कि आपका जो जूनियर डॉक्टर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्रुप बी का, उससे आप करवा सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर से, ग्रुप बी वाले ऑफिसर से आप करवा सकते हैं। आपका जो सर्कल इंस्पेक्टर होता है, जो तहसीलदार होता है, उनसे आप करवा सकते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है ग्रुप ए का या फिर ग्रुप बी का, उनसे आप करवा सकते हैं। आपका जो हेडमास्टर होता है गवर्नमेंट हाई स्कूल का, उससे आप लोग करवा सकते हैं।
आपका जो ग्रुप बी का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उससे करवा सकते हैं, इनकम टैक्स या फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ग्रुप बी के उनसे करवा सकते हैं, चीफ फार्मिस्ट करवा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट के जो ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं उनसे करवा सकते हैं, ऑफिसर्स इन स्टेट सिविल सर्विस के जो ग्रुप बी के अधिकारी हैं उनसे करवा सकते हैं, और आपका जो आर्मी फोर्सेज में जेसीओ होता है उनसे आप लोग करवा सकते हैं। तो ये आपके ग्रुप ए के और ग्रुप बी के वो टोटल आपके अधिकारियों की लिस्ट है जिनसे आप अपने फोटो टेस्ट करवा सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को इंट्री के टाइम दिखा सकते हैं। तो ये कुछ आपके जानकारी थी जो कि पिछली वीडियो में डाउट आए थे उनको लेकर मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिया है। अब अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम अगर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगली वीडियो में आपके सभी डाउट को हम बता देंगे, तो आपको अगली वीडियो का वेट करना है। और आज हमारे दो कैंडिडेट हैं फिजिकल देने के लिए गए हैं, तो जैसे ही वो अपने फिजिकल देकर आते हैं हम आपको पूरी अपडेट दे देंगे कि वहाँ पर जो फिजिकल है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ आपकी रही है। तो देखिएगा ये कुछ अपडेट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद।